तो हे गाइस, काफी ज्यादा दोस्तों आगे का जो व्यू दिख रहा है गाइस, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो श्री भवानी माता जी के मंदिर है, पीतल की परत के दोस्तों कछुआ है जो कि देख पा रहे हो आप दोस्तों, जो देख पा रहे हैं जो माता के जी के लिए यहाँ पर दोस्तों झूला भी है और दोस्तों यहाँ पर सीढ़ी भी आप देख पा रहे हैं जो दीप जला है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक पीतल की परत के दोस्तों मूर्ति काफी अच्छा तरीके से माता जी का बना हुआ है। और दोस्तों हमारे सामने हमारे माता जी है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग गाइस। दोस्तों ये ब्लॉग आपके लिए स्वागत है दोस्तों। दोस्तों डेली ब्लॉग में बनाना शुरू कर चुका हूं दोस्तों। और दोस्तों आज मेरा छुट्टी था, आज कहाँ पे नहीं गए हैं तो दोस्तों कहेंगे इधर का सबसे जो फेमस जो मंदिर है दोस्तों, और दोस्तों श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, और काफी जगह पर घूमेंगे। आज का ब्लॉग काफी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अनार का जूस है जो कि सुबह सुबह इसको दोस्तों हम मेकिंग किए थे, और दोस्तों अनार का जूस पी के और चलते दोस्तों आप सभी को घुमाते हैं। यहाँ पे फटाफट दोस्तों ताला मार दिया रूम का जो कि खुला रहेगा दोस्तों, कोई भी आ जाएगा इसलिए ताला मार दिया। अच्छा दोस्तों चलते हैं। सो ये गाइस जस्ट यहाँ पे घूमने आए थे, और दोस्तों ये कैनल का जो कंट्रोल है भाई थोड़ा घुमाइएगा भाई, राहुल भाई घूम रहा है वो भाई साहब मत घुमा, मारने लगेंगे भाई, चलो इधर से। सो गाइस चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों एक कैनल था जिसपे पानी का कंट्रोल होता है पूरा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। गाइस फाइनली दोस्तों जा रहे रूम पे, और दोस्तों देख पा रहे हो कि यहाँ पे गन्ने का जो दोस्तों मिल सामने दिख रहे हो मिल है, और दोस्तों यहाँ से हमारे सब साथी लोग आगे चल रहे हैं। और दोस्तों ये ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल है, काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेट्स सी गाइस चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। सो हे गाइस फाइनली दोस्तों मंदिर पे आ चुके दोस्तों, जो इधर का दोस्तों व्यू है जो अनबिलीवेबल है, काफी ज़रा यहाँ पे दोस्तों साफ सुथरा है जो देख पा रहे हो दोस्तों, कुछ ऐसा है। और ये हमारा इसको चिंतित दोस्तों, ये हमारा भाई है, और ये हमारे राहुल भाई, ये हमारे दादाजी हैं, सब ठीक है ना। सो गाइस इस ब्लॉग काफी ज़्यादा मजा आएगा, और हाय बोल दीजिए, हाय हाय इस तरफ हाय। सो गाइस ये हमारे वीडियो में आप काफी आई हैं क्योंकि दोस्तों इन हमारे साथी रहते हैं, और ये ब्लॉग काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है दोस्तों। सामने दोस्तों मंदिर काफी प्यारा सा लग रहा है, और दोस्तों चलते हैं और नजदीक से दिखाते हैं को कैसा दिखता है। जो पानी दिख रहे हैं सामने जो कि इधर से होकर ये इधर बाहर की तरफ जा रहे देख पा रहे होंगे, और यहाँ हमारे दोस्त लोग सामने से जा रहे हैं। सो हे गाइस काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आगे का जो व्यू दिख रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो गाइस आगे का व्यू दिखाते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, देख पा रहे आगे का व्यू कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा। सो गाइस सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना स्लीपर हम निकालेंगे जो कि नॉट अलाउ दिस स्लीपर मंदिर में दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली दोस्तों मंदिर का मंदिर आ चुके हैं गाइस, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों जो कि बातों से बयान नहीं कर सकता हूँ। तो बुधन में अंदर जा चुके हैं, एंड गाइस चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों पता नहीं किस चीज़ का है, बट दोस्तों यहाँ पर मराठी में कुछ अलग ही रहे, और जो भी दोस्तों मराठी हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई साहब वो प्लीज़ बताइएगा जो ये क्या है जो कि हमको नहीं पता है। और दोस्तों श्री भवानी माता मंदिर, दोस्तों श्री भवानी माता जी के मंदिर है, और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी क्यूट क्यूट से दोस्तों डॉग भी हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी ज़रा अच्छा फील, और दोस्तों यहाँ से सबसे पहले एंटर करने से पहले दोस्तों यहाँ पे पीतल की परत के दोस्तों कछुआ है जो कि देख पा रहे हो आप दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले गोल लागेंगे, और दोस्तों फ्रंट लुक दिखाने जा रहे हैं दोस्तों हमारे जो भवानी माता जी उनको दिखाने जा रहे हैं, और कैसा लगता है प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आइए गाइस फाइनली दोस्तों मंदिर पे आ चुके हैं, और माता जी को दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं, सो आइए गाइस। कुछ ऐसा गाइस फाइनली दोस्तों अंदर जा रहे हैं घुसने के लिए, और यहाँ पे कुछ दोस्तों काफ़ी प्यारा दोस्तों जय भवानी माता प्रसन्न। और दोस्तों यहाँ का जो ओल्ड है जो कि दोस्तों ये सबसे पुराने जमाने की जो स्ट्रक्चर है जो कि लकड़ी का बना हुआ है जो दोस्तों देख पा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और दोस्तों अंदर हम इंटर करते हुए, और यहाँ पर दोस्तों प्रसाद चढ़ाया गया जो कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, और काफ़ी दोस्तों प्यारा मंदिर लग रहा है।
जो कि दोस्तों कितना अच्छे तरीके से सजाया गया आप देख पा रहे। और दोस्तों यहाँ पे हमारे माता जी हैं वो सब सोए गए इस मंदिर आने में दोस्तों, और आ गए हैं दोस्तों फाइनली अंदर। और जो कि देख पा रहे हैं जो माता के जी के लिए यहाँ पर दोस्तों झूला भी है, और दोस्तों यहाँ पर सीढ़ी भी आप देख पा रहे हैं जो दीप जला है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक पीतल की परत के दोस्तों मूर्ति काफ़ी अच्छे तरीके से माता जी का बना हुआ है। और दोस्तों हमारे सामने हमारे माता जी हैं जो कि देख पा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोग दोस्तों मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी जाने के लिए और वहाँ पूरा साफ करने के लिए, और मंदिर दोस्तों कुछ सामने से ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। जस्ट इधर आए थे और दोस्तों हमको प्रसाद मिला है जो कि एक भैया जी ने दोस्तों नारियल फोड़ा था, और दोस्तों हमको प्रसाद मिले खाने के लिए। सो आज काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मंदिर में आए हैं और सब दोस्तों को प्रसाद ही मिले खाने के लिए। दोस्तों शायद यहाँ पर हवन होता है, और दोस्तों मुझे अब मालूम चला कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर नारियल फोड़ सकते हैं आप, और जो अगरबत्ती होता है उसको भी यहाँ पर जला सकते हैं। और दोस्तों कुछ बाहर से मंदिर का नज़ारा ऐसा दिखता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, देख पा रहे होंगे गाइस। यहाँ चलते हैं, चले भाई। सो गाइस आपको मंदिर दिखाए होंगे, और दोस्तों यहाँ का जो ये हरियाली है ना मंदिर पे जाने के लिए क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए गाइस चलते हैं और आपसे मिलते हैं अभी। मैंने दोस्तों रूम पे आ चुके दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपको दिखाए हैं। और दोस्तों रूम खोलते हैं दोस्तों, और गाइस हम दोस्तों फाइनली आ चुके हैं अपने रूम पे। और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पास हम नहीं गए क्योंकि दोस्तों उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे भीड़ लगा था, पता नहीं कैसा, तो उधर का शूट नहीं किया दोस्तों। हम डायरेक्ट आ चुके हैं अपने रूम पे, एंड देखते हैं आज सब लोग आपको के। और देखते हैं दोस्तों अगर अभी काफ़ी अच्छा सब लोग बाकी है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सो हे गाइस फाइनली दोस्तों मंदिर पे गए थे, वहाँ से चले आए दोस्तों क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, और दोस्तों हमको खाना भी बनाना था। और दोस्तों फिलहाल मैं आज का जो खाना बनने वाला है दोस्तों ना, क्योंकि मैं तो ऐसा खाना कभी खाया नहीं हूँ, और आप भी दोस्तों सोच रहे हैं क्या होगा वो, तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं जो कि पता नहीं किस चीज़ का ये सब्जी है जो कि हमारे दादाजी बताएंगे ये किस चीज़ सबसे है। मटकी का है सब्जी, बन रहा है, इसमें बहुत एनर्जी रहता है। अच्छा जी, और आप क्या कर रहे हैं? अरे लहसुन है थोड़ा, इसको भून रहा है अभी, छील करके इसको भूनेगा, उसके बाद मिर्ची काटेगा। सो गाइस इनका उम्र इतना ज़्यादा हो गया है, बट दोस्तों अगले वीडियो में इनसे अच्छे तरीके से हम ब्लॉग कराएंगे, अब इतना में ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। रहे हैं प्याज काट रहे हैं और क्या प्याज, सो गाइस राहुल भाई प्याज काट रहे हैं। सो गाइस जस्ट दोस्तों किस चीज़ सब्जी ने बताएं किस चीज़ का है? मटकी का है। मटकी का, सो गाइस ये मटकी का है जो कि पता नहीं दोस्तों कैसे बनेगा, हमको खुद नहीं मालूम है, और इसका टेस्ट क्या होगा दोस्तों हमें खुद नहीं मालूम है। दोस्तों अगर आप में से कोई भी खाया हो तो जरूर बताएं कमेंट में। दोस्तों देखते हैं बनाने के बाद कैसा इसका टेस्ट रहता है, आप सभी को खिलाएंगे दोस्तों, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। और मटकी का सब्जी खाने से काफ़ी टेस्टी था गाइस, और दोस्तों लोग उसको दो दिन भिगो के मार्केट में बेचते हैं, पता नहीं दोस्तों हमारे गांव तो ये नहीं बिकता था, बट यहाँ पर बिक रहा है काफ़ी टेस्टी खाने में, और काफ़ी दोस्तों ये एनर्जी वाला है। और दोस्तों इस ब्लॉग को एक दोस्तों एंड करते हैं। आई होप दोस्तों मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, चलो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।